नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। और बीएसएफ ने वैकेंसी निकाली हुई है ट्रेड्समैन की, 1763 वैकेंसी हैं जिसके लिए फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। और इसके लिए हम दो वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि वैकेंसी कितनी कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या है। वहीं दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया था कि आप आवेदन कैसे करते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म की कम्प्लीट डिटेल हमने उस वीडियो में बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। इससे आपको समझने में आसानी होगी कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है और क्या कमी होने पर आपको निकाल दिया जाएगा, कौन सी एक दो कमियां हैं जिनके लिए आपको निकाला नहीं जाएगा, जिसको आप बाद में ठीक भी कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ कनेक्ट रहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो सबसे पहले साथियों, हम मेडिकल स्टैंडर्ड को देख लेते हैं, क्योंकि मेडिकल स्टैंडर्ड ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से कैंडिडेट को तुरंत ही निकाल दिया जाता है, और उनको दूसरा जो मौका मिलता है रिव्यू मेडिकल का, वो और ज्यादा टफ होता है, और मुश्किल से 5% बच्चे ही रिव्यू मेडिकल में पास हो पाते हैं। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले हम आई साइट देख लेते हैं, आई साइट कितनी मांगी गई है। तो आई साइट नियर विजन N6 होना चाहिए, बेटर आई का वर्स आई का होना चाहिए N9 तक। वहीं डिस्टेंट विजन बेटर आई 6x6 और वर्स आई 6x9, तो 6x6 और 6x9 तक अलाउ है। और सही आंख और खराब आंख के बारे में हम आपको बता दें, आप जिस हाथ से काम करते हैं आपकी वो आंख 6x6 होनी चाहिए, वही जो दूसरी आंख है आपकी वो 6x9 तक अलाउ होती है। विजुअल करेक्शन किसी भी प्रकार का मान्य नहीं होगा डिस्टेंट विजन के लिए, तो जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर है वो अलाउ नहीं है। वहीं जिनकी नज़दीक की नज़र कमज़ोर है वो कैंडिडेट नियर विजन के लिए चश्मा पहन सकते हैं, अलाउ किया गया है उनको, वो अलाउ हैं। तो वो कैंडिडेट जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर है, डिस्टेंट विजन जिनकी कमज़ोर है, वो अलाउ नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, अगर आप चश्मा लगाते हैं, अगर आपकी नियर विजन कमज़ोर है तो आप अलाउ हैं, लेकिन अगर आपकी डिस्टेंट विजन कमज़ोर है तो आप अलाउ नहीं है। कलर विजन टेस्ट आपका होगा CP4/2 इशिहारा पर, और मिनिमम कलर परसेप्शन रिक्वायर्ड है जिससे आप रेड और ग्रीन कलर को अलग अलग पहचान सकें। इन सब के अलावा आपकी नोक नी न हो, फ्लैट फुट न हो, नीली नसें न उभरी हो, आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए, और कोई भी मेंटल या बॉडीली डिफॉर्मिटी नहीं हो। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जब आप अपना फॉर्म भेज देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसके बाद फॉर्म की स्क्रूटनी होगी। अगर आपके फॉर्म में कोई कमी पाई जाती है तो उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो फॉर्म सही पाए जाते हैं उनके बेस पर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फर्स्ट फेज के लिए। फर्स्ट फेज में होगा PST और PET। जो PST और PET होगा उसमें आपकी मापतल होगी और आपकी रनिंग होगी। तो सबसे पहले आपको हाइट बार टेस्ट से गुजरना होगा। जो कैंडिडेट लंबाई में निकल जाएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा, जो कैंडिडेट लंबाई में पास हो जाएंगे उनको दौड़ के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जो रेस होगी उसमें 5 किलोमीटर क्वालिफाई करना होगा 24 मिनट में, अगर आप पुरुष कैंडिडेट हैं। वहीं जो महिला कैंडिडेट हैं उनको 8 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर की रेस क्वालिफाई करनी होगी। जो कैंडिडेट रेस क्वालिफाई कर लेंगे उनका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं फिजिकल के टाइम पर, और उनकी चेस्ट भी मापी जाएगी, साथ ही वजन भी मापा जाएगा। अगर आपके अंदर इनमें से कोई कमी पाई जाती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जिनका वजन ज़्यादा है कैंडिडेट का या कम है उनको उस वक्त बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वजन ऐसी चीज़ है जो आप घटा या बढ़ा भी सकते हैं। तो जो वजन में दिक्कत आएगी अगर, तो उन कैंडिडेट को फाइनल मेडिकल के टाइम पर ही बाहर किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता है। बाकी अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है या फिर चेस्ट में कमी पाई जाती है तो उन कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन जिन कैंडिडेट को वेट की वजह से प्रॉब्लम आएगी उनको बाहर नहीं किया जाएगा, उनको एक चांस दिया जाएगा कि वो फाइनल सिलेक्शन के टाइम तक अपना वेट हाइट के अकॉर्डिंग कर लें। जो महिला कैंडिडेट हैं वो प्रेग्नेंट अगर हैं तो वो आवेदन न करें, क्योंकि प्रेगनेंसी PET के टाइम पर एक डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाएगी और उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो जब आप रेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी चेस्ट मापी जाएगी, हाइट द्वारा मापी जाएगी। इन सब के अलावा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, और जो कैंडिडेट इसमें पास हो जाएंगे उनका होगा ट्रेड टेस्ट। जो कैंडिडेट एक्सर्समैन है उनको कोई भी PET नहीं देना है, उनकी रेस नहीं होगी, उनको सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना होगा। PET के कोई भी नंबर नहीं जुड़ेंगे। जो कैंडिडेट PST, PET और डॉक्यूमेंटेशन में पास हो जाएंगे उनका होगा फिर ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट सिर्फ एक ही होगा और कैंडिडेट एक ही ट्रेड टेस्ट में अपियर हो सकता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके नंबर फाइनल मेरिट पर नहीं जुड़ेंगे। जो कॉबलर वाले कैंडिडेट हैं उनको पॉलिशिंग ऑफ शूज, हैंडलिंग टूल्स,
कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज यानी मोची के सारे काम करने होंगे। जो कहने टेलर ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको नाप लेना, इसके अलावा कपड़े काटना और यूनिफॉर्म सिलना, ये सब आना चाहिए। जो बढ़ई का काम लेंगे कारपेंटर का, उनको हैंडलिंग टूल्स, कटिंग ऑफ वुड्स, फिटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग ऑफ मटेरियल्स। जो कैंडिडेट कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको चपाती बनाना, चावल बनाना, इसके अलावा सब्जियां, दाल, सांभर, इडली 100 लोगों के लिए बनाना, कुकिंग ऑफ मीट, फिश, एग और खीर, ये सब आपको बनाना आना चाहिए। वाटर कैरियर की अगर हम बात करें तो वाटर कैरियर वाले कैंडिडेट को बर्तनों को धोना, आटा गूंथना जिससे रोटी बन सके लगभग 100 आदमी के लिए, इसके अलावा सब्जी काटना, ये सब आपको करना होगा। जो कैंडिडेट वॉशरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको कपड़े धोना, कपड़ों की इस्त्री करना, कॉटन यूनिफॉर्म, वोलन और टीसी यूनिफॉर्म को इस्त्री करना, ये सब उनको करना होगा। जो कैंडिडेट बार्बर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको हैंडलिंग ऑफ टूल्स, इसके अलावा बाल काटना और शेविंग करना आना चाहिए। स्वीपर वाले कैंडिडेट को स्वीपिंग यानी साफ सफाई आनी चाहिए, टॉयलेट साफ करना आना चाहिए, बाथरूम साफ करना आना चाहिए। वेटर के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनको हाइजीन और सैनिटेशन का काम आना चाहिए, इसके अलावा खाना परोसना और बाकी जो काम है वेटर के वो सब आने चाहिए। तो ये होगा आपका ट्रेड टेस्ट। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे और आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर लेंगे अपनी, जिससे आपको आसानी हो इस ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई करने में। जो कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे उनका होगा फिर रिटन एग्जाम, जो कि इस वैकेंसी का फेज सेकेंड है। ये 100 अंकों का होने वाला है और उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे। 100 अंक ये जो है पेपर के, इसके 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक दिया जाएगा। जनरल कैटेगरी वालों को 35%, SST OBC को 33% लाने होंगे और आप केवल ब्लू या ब्लैक बाल पॉइंट का ही प्रयोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका आएगा। ये 100 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से GK के आएंगे 25, मैथ के आएंगे 25, 25 आएंगे रीजनिंग के, 25 आएंगे इंग्लिश के, हिंदी के। इस प्रकार 2 घंटे का आपको समय मिलेगा और क्वेश्चन होंगे 100 जो आपको सॉल्व करने होंगे। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। इसका लेवल होगा 10th क्लास का। जो कैंडिडेट इसमें पास हो जाएंगे उनका होगा फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपकी कंप्लीट जांच की जाएगी, मेडिकल आपका किया जाएगा। और जो कैंडिडेट इसमें फेल हो जाते हैं उनको एक चांस दिया जाएगा रीमेडिकल का। टैटू की अगर बात करें तो टैटू हथेली के पिछले हिस्से पर और कोहनी से लेके हथेली तक अंदर की तरफ अलाउ है, वो भी नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब पर। और जो कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन फेल हो जाएंगे उनका रिव्यू मेडिकल होगा। रिव्यू मेडिकल के लिए आपको 25 रुपये फीस जमा करानी होगी और आप रिव्यू मेडिकल करा सकते हैं। और हमारी ये एडवाइज है आपको कि आप ये कोशिश कीजिए कि आप मेडिकल में ही फिट हो जाएं, क्योंकि रिव्यू मेडिकल का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मुश्किल से 4-5% कैंडिडेट ही रिव्यू मेडिकल में पास हो पाते हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट की। फाइनल मेरिट बनेगी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, साथ ही आपकी स्टेट में कितनी वैकेंसी आई हुई हैं और रिटर्न एग्जाम के बेस पर। रिटर्न एग्जाम के 100 नंबर के बेस पर ही आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा फैक्टर काम करेगा कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं और नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए थे। साथियों, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।